नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टिकट। आज अयोध्या की बाबरी मस्जिद की शहादत की 26वीं वर्षी पर सम्मी फाउंडेशन ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दिन को काली दिवस के रूप में मनाया। सम्मी फाउंडेशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नजीर अहमद सम्मी ने कहा कि इस मुद्दे को सियासी पार्टियां हमेशा से इस्तेमाल करती आई हैं। सम्मी फाउंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा जा रहा है जिसमें मांग है कि जो लोग इस मुद्दे को सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हेट स्पीचेस के खिलाफ एक कानून बने। समाचार टिकट के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। '92 की याद में एक मीटिंग को मुनक्कित किया गया शमसी फाउंडेशन की तरफ से, और इस मीटिंग को करने का मकसद ये था कि मुसलमानों को उस दिन की यादें ताज़ा रहें और उस दिन की यादों को कभी ना भूल पाएं जिस दिन कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और संविधान को तार तार किया था। हम ये चाहते हैं और हमारी ये मांग है कि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और बाबरी मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दी जाए। शमसी फाउंडेशन ये मांग करती है कि जो लोग भी हेड स्पीचेस और कानून को हाथ में लेकर बड़ी तादाद में अयोध्या में इकट्ठे किए गए थे और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाबरी मस्जिद एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको सियासी पार्टियां अपने फायदे के लिए हमेशा से इस्तेमाल करती चली आई हैं, तो एक मेमोरेंडम शमसी फाउंडेशन की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा और उनसे ये मांग की जाएगी कि ऐसे लोग जो इस मुद्दे को सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि स्पीचेस के जरिए, अपने वर्डिक्ट के जरिए, अपने स्टेटमेंट्स के जरिए जो लोग भी माहौल मुल्क का ख़राब करते हैं उनके खिलाफ कानूनन एक एक्शन लिया जाए और उनको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो आइंदा इस तरह के मामलों में कोई भी दखलअंदाजी न करें।